How's that? नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी। स्वागत है आप सभी का चक दे क्रिकेट में। आप सभी को बता दें कि कुछ देर पहले बीसीसीआई ने भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर उन्हें तगड़ा झटका दिया है। चोट के कारण पिछले काफी दिनों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को अभी भारतीय टीम में आने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि बीसीसीआई का कहना है कि हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड दौरे पर गई भारतीय ए टीम में चुना गया था, लेकिन दौरे पर जाने से पहले वो भारत ए टीम के लिए हुए फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे। इसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए न T20 में जगह मिली और ना ही वनडे टीम में, लेकिन उनके फैंस यही मानकर चल रहे थे कि युवा ऑलराउंडर टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जरूर वापसी करेंगे। लेकिन शनिवार को बीसीसीआई ने उनको लेकर साफ कर दिया कि हार्दिक न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों के टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेले। वहीं जिस तरह से बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे हार्दिक को एक कड़ा संदेश भी मिला होगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले हार्दिक की कमर की चोट का लंदन में ऑपरेशन हुआ था और उसी के बाद से हार्दिक इसी चोट की भरपाई में लगे हैं, लेकिन हार्दिक जमकर मेहनत करने के बावजूद हाल ही में फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके थे। यही वजह है कि उन्हें भारत ए टीम में भी जगह नहीं मिल सकी। मिले खाली समय को भुनाते हुए हार्दिक ने सगाई का ऐलान भी कर दिया और वह ज्यादातर समय अपनी मंगेतर के साथ घूमते दिखाई पड़े। हार्दिक के चाहने वाले अब उनके टेस्ट टीम में चयन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही हार्दिक ने एनसीए के चीफ फिजियो आशीष कौशिक के साथ उनका लंदन में ऑपरेशन करने वाले सर्जन डॉक्टर जेम्स एलिवॉन का दौरा किया और एलिवॉन ने उनकी चोट की समीक्षा के बाद पाया कि अभी पांड्या को पूरी तरह उभरने में खासा समय लगेगा ही, बल्कि उन्हें कड़ी मेहनत भी करनी होगी। एलिवॉन की रिपोर्ट आने के बाद बोर्ड ने अब पांड्या को लेकर सख्त फरमान जारी कर दिया है। बोर्ड ने मीडिया को भेजे ईमेल में कहा कि जब तक हार्दिक पांड्या पूरी तरह से मैच फिटनेस हासिल नहीं कर लेते, तब तक वो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में पुनर्वास कार्यक्रम में रहेंगे। साफ है कि अब हार्दिक के इधर उधर मंगेतर के साथ घूमने और घर पर समय गुजारने पर रोक लग गई है। अब हार्दिक तब तक एनसीए में रहेंगे जब तक पूर्ण फिटनेस नहीं, बल्कि पूर्ण मैच फिटनेस हासिल नहीं कर लेते। इसका मतलब है कि हार्दिक को अब बेंगलुरु में ही तब तक कुछ मैच भी खेलने होंगे जब तक वह बीसीसीआई के चीफ फिजियो को संतुष्ट नहीं कर देते कि वह मैच में पहले की तरह गेंदबाजी, बल्लेबाजी करने और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट में समर्थ हैं। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। क्रिकेट से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।